नमस्कार। हाँ, मेरे देश के 85 मूल निवासियों, हाँ, आपके लिए मैं गीत परोस रहा हूँ। हाँ, जरा इस गीत को ध्यान से सुनेंगे। हाँ, आसान है, उम्मीद है। हाँ, बहुजनों के भगवान अंबेडकर महान, जो शोषित वंचित का अधिकार लड़ करके तो आपको अधिकार दिलाया। इस गाने के अंदर भाव बहुत कवि जी मार्मिक कलम से अपना लिखे हैं बाबू। कैसा लिखा है? ए शोषित जरा तू संभल कर के सोचो, जो तुझको अंधेरा से बाहर किया है, देवी देवता ते तिस करोर नहीं दिया, ओ बाबा साहब सुन तुझको दिया है, लेकिन आज तक ये भारत के मूल निवासी अपने बाबा साहब को नहीं समझ पाए। हाँ, जिन्होंने त्याग बलिदान दे करके आपको अधिकार दिलाया। हाँ, वैसे महान भगवान को नहीं बुझ पाए। आज चैलेंज है मेरा, हम पूछते हैं आज के राजनेता और केंद्र में रहने वाले नेता, चाहे कोई भी अधिकारी हो, किसी दूसरे के लिए नहीं जीते हुए देखा बाबू। हाँ, लेकिन हमारे भीमराव अंबेडकर आपके जेब में जो पेन है, हाँ, बाबा साहेब अंबेडकर का दिन है। हाँ, आज आप जो जहां खड़े हैं, हाँ, उसके लिए भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर ने लड़े हैं। कहां हो? आपके घर में जो चमकता हुआ तार है, हाँ, ये भीमराव बाबा साहेब को उपहार है। ऐसे कहना पड़ा बाबू जी, जिंदगी भर जे दुख के आंसू छोड़ के जे परिवार के सपना बहुजन खाती जियल, अरे छोड़ के जे परिवार के सपना बहुजन खाती जियल, जिंदगी भर जे दुख के आंसू घुट घुट के पियल, रे नजरिया खोल के देखो ए बबुआ, जिनकर नाम अंबेडकर जाने, जिनकर नाम अंबेडकर जाने, जग सोरी अरे नजरिया खोल के देखो ये बबुआ, जिनकर नाम अंबेडकर जाने, जग सोरी अहो नजरिया खोल के देखो ये बबुआ, अरे जिनकर नाम अंबेडकर जाने, जग सोरी अहो नजरिया खोल के देखो ये बबुआ, जिनकर नाम अंबेडकर जाने, जग सोरी अहो नजरिया। जब दूसरा गोल के सम्मेलन अंग्रेजों का असेंबली लंदन में था, अब बाबा साहेब शोषित वंचित के लड़ाई लड़ने के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय में अचानक घटना घटता है। उनकी अंतिम पुत्र अंतिम चिराग राज रतन बहुत बीमार पड़ जाता है। उनकी धर्म पत्नी रमा बाई बिठाती है कि बाबा साहेब अपने पुत्र को बचा लो आके, आपका पुत्र राज रतन बीमार है, घर में दवाई के लिए फूटी कौड़ी नहीं। कहने का भाव कि अरे लंदन जाए कह रहा है, हवा के टूटले पा हड़वा रे दोरिया हो, लंदन जाए के रहे जब से मिला ना में, हवा के टूटले पा हड़वा रे दोरिया, लंदन जाए के रहे जब से मिला ना में, हवा के टूटले पा लंदन जाए मेरा है जब सा मिला
बाबा भाई तार लगा देते हैं बाबा साहेब, आके अंतिम चिराग नाज रतन बहुत बीमार है। बेटा राजा रतन बीमार परियार बाटे, बेटा राजा रतन बीमार परियार बाटे, आई के करा देव विचार हो। पैसा न कौड़ी घर में छऊ दवाई खाती, चिंता से पथेला का पार पैसा न कौड़ी घर में छऊ दवाई खाती, चिंता से पथेला का पार। रोई रोई के रामा भाई अपना पुत्र बीमार राज रतन को लेकर के आंसू पोछते पोछते अपनी आंचर को भिजा डाली और बाबा साहेब के पाठ जो रही है, आएंगे बाबा साहेब तो अपना पुत्र राज रतन को दवाई करा करके ठीक कराएंगे। रामबाई पोछिलो रामाई अपनी आचारावा में, रामबाई पोछिलो रामाई अपनी आचारावा में, सुनते में रो भैले खड़ रे समैया हो। रामबाई को चलो रवा अपने आचारावा में, सुनते रोवा भैले खड़ रे समैया। रामबाई को चलो रवा अपने आचारावा में, सुनते में रोवा भैले खड़ रे समैया हो। बाबू बाबा साहेब अफसोस करके चले आते हैं अपना घर। रम्मा बाई जब खबर दे देती है और आकर के अपना अंतिम चिराग बेटा राज रतन को गोदी में उठाते हैं और देखने लगते हैं, बुखार से राज रतन तलफ रहा था और हाय रे विधाता तेरे भी ऐसी घटना होता है, तेरे भी ऐसी करनी को। बाबा साहेब को देखते देखते बाबा साहब के गोदी में राज रतन का सदा के लिए सांस बंद हो गया। बाबा साहब उस बेटे को छाती से लगाकर रोने लगते हैं। हर गोदिया में छूटल राजा विधानवा हो का तू रचलो रचानवा, विधानवा हो का तू रचलो रचानवा, विधानवा हो का तू रचलो साहेब। अपने अंतिम चिराग को जब प्राणायांश हो गया सदा के लिए बाबा साहेब के गोदी में वो राज रतन सो गया। बाबा साहेब छाती से लगा कर रोने लगते हैं। बाबू हाय रे महान अंबेडकर भगवान, जितना त्याग बलिदान दे करके मूल निवासियों आपके लिए अधिकार दे के गया, लेकिन आज तक बाबा साहेब को तूने नहीं पूछ सका। बड़ी शर्म की बात है, शर्म की बात है, कब तक तू जागोगे ये बाबू। रोने लगले बाबा साहेब छत से लगाई के, रोने लगले बाबा साहेब छत से लगाई के, रोने लगले बाबा
बनाएंगे साहब। और उसी दिन करोड़ों शोषित अधिकार से वंचित के लड़ाई लड़ने के लिए जाना था लंदन। मद्रास के एयरपोर्ट से 1 बजे की फ्लाइट थी। बाबा साहेब अपनी राजरतन बेटा को अपनी पत्नी रमाबाई के गोदी में देते हुए कहते हैं कि रमाबाई इस बच्चे को दफना देना, मैं इस बच्चे को फिक्र करता हूं तब मेरा फ्लाइट छूट जाएगा। जब मेरा फ्लाइट छूट जाएगा एक तो मेरा बेटा मर ही गया और करोड़ों हमारा शोषित वंचित के बेटे मर जाएंगे। इसलिए करोड़ों बेटों के मुझे चिंता है रामाबाई। हाय रे महामानव, ये अपने बेटा को कफन देने का नसीब नहीं। रामाबाई रोते रोते उस राज रतन को गोदी में लेकर के आंचल फार करके अपने बेटे को कफन देती है। और बाबा साहेब चल देते हैं एयरपोर्ट की तरफ, लंदन जाने का यात्रा शुरू करते हैं। आंसू पोंछते हुए निकल जाते हैं। बाबा साहब जाते हैं एयरपोर्ट पर 12:30 बजे पहुंच जाते हैं। जहाज उस एयरपोर्ट से लंदन जाने के लिए 1 बजे जाती थी। तो हमारा देश के दो जमेदार नेता गांधी जी और नेहरू जी षड्यंत्र को रच करके 1 बजे जाने वाली फ्लाइट को 11 बजे ही रवाना करा दिए। और अपने गांधी जी और नेहरू जी दोनों बैठकर निकल गए। बाबा साहब जब पहुंचते हैं तब मालूम चला कि लंदन जाने वाली जहाज जो 1 बजे जाती थी आज 11 बजे ही रवाना हो चुकी। बाबा साहब चिंता में पड़ गए। फिर उन्हें जब पता चला कि समुद्र मार्ग से जलपोत जा रहा है लंदन के लिए, आप चाहेंगे तो जा सकते हैं। बाबा साहब झट से जाकर के जलपोत में सवार हो जाते हैं। जलपोत पर सवार होते हैं तो होता क्या है, शत्रुधन बाबू वही पिड़िया के लया गोइल किया रे गंगा जी का ऊंची मायो टोरिया नो हो तापर अब बैठे भगवान गंगा जी के ऊंची मायो टोरिया नो हो तापर बैठे भगवान रे गंगा जी का ऊंची मायो टोरिया नो हो तापर बैठे भगवान साहेब जलपोत के टिकट लेकर के जलपोत में सवार हो जाते हैं बाबू। और जलपोत लेकर के चालक समुद्र मार्ग से लंदन के लिए रवाना हो जाता है जलपोत। पहले लंदन के माया पहले लंदन के पया के सवार जाला तो पहले लंदन के पया। ए बाबू जब बीच मझधार समुद्र में जब जलपोत जाता है तो जलपोत के चालक के नाम था मिजोरम। ओ मिजोरम अचानक पिस्टन निकाल के बाबा साहब के कनपट्टी में सटा देता है। होता है क्या, क्या? बिचमा जधारा में अरे घटली घटनावा पिस्टल भिरावले बनी मिजोरम तू समानावा। अरे योगिया लगावल चल
बगिया लगावल चहल होतावा में हो पहले लंदन के बयान चहले खोतावा में हो पहले लंदन के पया मिजोरम कहता है जब पिस्टल को भिरा देता है और बाबा साहब देखते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं कहले अरे मिजोरम ले लो मुझे जान लेकिन सुन लो मैं करोड़ों शोषित को अधिकार से जो वंचित है उनका लड़ाई के लिए मैं जा रहा हूँ उनका लड़ाई लड़ने मैं जा रहा हूँ उस करोड़ों वंचित में शोषित एक तुम भी है अगर शोषित अधिकार से वंचित रह जाएंगे तो तुम सोच लो तेरा दशा भी क्या होगा हम तो मारे जाएंगे मिजोरम लंदन जा रहे थे इतनी बात जब सुनता है बाबा साहब कहते हैं क्या क्या ले लो रे मिजोरम मारी हमरो के जनमा मार दो मिजोरम अपनी आग को बुझा लो और पैसा को ले लो लेकिन तुम्हें पता नहीं तुम मनवादियों के जाल में फंस चुका है करोड़ों शोषित वंचित हमारा देश के मर जाएंगे वही शोषित में से तुम भी हो तुम भी नहीं बच पाओगे ले लो रे मिजोरम मारी अमरो कजनवा ओ किया पुताई जाई तहरा की मिजोरम मारी हमरो कजनवा ओगिया पुताई जाई तहरा की मिजोरम मारी हमरो कजनवा ओगिया पुताई जाई तहरा के लेकिन सुन लो मिजोरम तूने मनवादियों को जाल में फंस चुका आज तक तू मनवादियों के बारे में समझा नहीं शोषिता समाज के आवाज अधिकारी ला जतबानी भारत के वंचित परिवार ला पानी भारत के पंचित परिवार ला मिजोरम सपना सकार खाती सपना सकार की हमारा की ले लो रे मिजोरम मारी हमरो कजनवा अगिया पुताई जाई तहरा इतनी बात जब मिजोरम सुनता है तो आंख से आंसू छलक जाता है और अपनी पिस्टल को हटा लेता है और रुक करके बाबा साहब को चरण छूता है और कहता है क्या एक पति बढ़ा लो मास्टर कहता है बाबा साहब से क्या सुनीला मिजोरम की चतुर्धन बबुआ सुनीला मिजोरम के अरे दरदिया ये बाबा जी जाल में फसवले मनुवदिया ये बाबा जी सुनीला मिजोरम के दरदिया ये मिजोरम के दरती आए बाबा जी जाल में फंसवले मनुवती आए बाबा जी सुनीला
बाबा साहेब नेहरू जी हाँ। और गांधी जी अपना आपको मारने के लिए हत्या करने के लिए मुझे 3 करोड़ पर ठीका ठीक किए थे हाँ। कि मिजोरम तू अंबेडकर को समुद्र में हत्या कर डालना तुमको 3 करोड़ रुपया मिल जाएंगे हाँ। बाबा साहब कहते हैं कि मार दो मिजोरम हाँ। मार के 3 करोड़ रुपया ले लो ये। लेकिन याद रखो हाँ। उस शोषित वंचित में तुम भी एक शोषित हो हाँ। कहना है क्या हाँ। 3 करोड़ के ठीका कोइले रे परान के गांधी नेहरू कोइले रोहल मर खाती जान के 3 करोड़ बाबा साहेब मिजोरम झरझर आंख से आंसू बहाते हुए कहते हैं कि बाबा साहेब जाए और अपने मूल निवासियों शोषित वंचित का अधिकार की लड़ाई लड़े बाबा साहेब आप जाए शोषित हो जाई है पर शोषित हो जाते पर पति आज बाबा जी जाल में फसवले मनु पति आज बाबा जी मिजोरम की तरती आए बाबा जी जाल में फसवले मनुवती आए बाबा जी सुनिला मिजोरम के तरती आए बाबा जी जाल में फसवले मनुवती आए बाबा जी और मिजोरम जाकर के सीधा हाँ जाकर के बंदरगाह पर उतरता है साहब हाँ। लंदन जाने के लिए हाँ। बाबा साहेब को उतार करके बंदरगाह पर और बाबा साहेब को सॉलिड दागता है हाँ। और मिजोरम उस जलपोत को पुनः वापस लेकर के चल देता है हाँ। और बीच धार में जब आता है तो मिजोरम समझ गया कि अब वो लोग हमें नहीं छोड़ पाएंगे तो उसी पिस्टल से अपने आप को गोली मार करके हत्या कर डालता है पहला शहादत लड़ाई के लिए मिजोरम बाबा साहेब को दिया साहब हाँ। तो कहने का भाव जब बाबा साहेब असेंबली में जाते नहीं चल दिए तो कहने का भाव हाँ। वहां पहले से ही गांधी जी नेहरू जी असेंबली में बैठे थे हाँ। वायस राय पूछता है कि गांधी जी आप लोग क्या अलग अलग विमान से आए हैं शोषित वंचित का नेता अंबेडकर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं ना। गांधी जी घड़ियाल के आंसू बहाकर रोने लगे हाँ। क्या कहने लगे क्या है अरे शोषित के नेता अंबेडकर जी वायसराय पूछता है कि गांधी जी शोषित हाँ। के नेता अंबेडकर जी ना सामान वालों के हो गांधी जी गांधी जी घरियाल के आंसू बहाने लगे हाँ। और वायस राय से रो रो के कहने लगे हाँ। क्या कहने लगे क्या कहने लगे साहब अंबेडकर का लड़का बहुत बीमार था हाँ। और उस बीमारी में पड़कर उनका जब विमान छूट गया हाँ। तो जलपोत से आ रहे थे हाँ। जलपोत से आ रहे थे तो बीच मझधार में उनको मार करके हत्या कर दिया गया अंबेडकर इस दुनिया से जल बसे हाँ। जय हो आए रे गांधी जी लड़का बीमार में छुट्टल भी मनवा जलपोत पर चढ़ी कैले हो कही के गांधी हरियाल के आंसू
छुटहूं के ऊप पहले हो साहब। उनको भी समुद्र में हत्या कर दिया गया अम्बेडकर। अरे हत्या हो गई ले, हत्या हो गई ले, ए हिस्से न जाई ले, बखाना मार गई ले हो गांधी जी। बात जब वायस राय सुने तो लंदन में हाहाकार मच गया। अरे सुसित के नेता अम्बेडकर को हत्या कर दिया गया। अंतिम में वायस राय कहते हैं कि अम्बेडकर जी के लिए 10 मिनट का शोक मना लिया जाए। सब कोई असेंबली में खड़े हो जाते हैं तो उसी समय बाबा साहब जाकर के असेंबली में ढुकते हैं। 10 मिनट के बाद सब कोई को बैठने को इशारा किया गया। सब कोई बैठ जब जाते हैं तो बाबा साहब खड़े रह जाते हैं। जब खड़े रह जाते हैं तो वायसराय के नजर पड़ा कले रे शोषित के नेता अम्बेडकर। आपको गांधी जी बता रहे थे कि आप समुद्र मार्ग से आ रहे थे, जलपोत से ताप के हत्या कर दी गई। अम्बेडकर कहले के साहब मरिए गई रही लेकिन शोषित के अधिकार बदे केहू तरी बांच गई रही। तो बहस जब छिड़ गया साहब, जब बहस होने लगी अधिकार के लिए तो इतनी मदड़पन, इतनी लड़ाई, इतनी बेवफाई, इतनी बदड़पन नेहरू गांधी ने किए हैं कि आगे वाला उपाख्यान हम आपको बताएंगे। और उसी दिन से, उसी लड़ाई के वजह से हम शोषित वंचित का यहाँ अधिकार पढ़ने लिखने और छुआ छेद को मिटा कर कंबेंद कर लड़ाई लड़के उसी दिन हम भारतवासियों मूल निवासियों को अधिकार दिए, तो कहने का भाव आ गया। वही सदना में लेके ले, अरे वही सदना में लेके अधिकार बाबा जी हो गईले। अरे बहुजन के नैया भौसे पर बाबा जी हो गईले, बहुजन के नैया भौसे पर बाबा जी हो गईले, बहुजन के नैया भौसे पर बाबा जी हो गईले, बहुजन के नैया भौसे पर बाबा जी हो गईले। वही सदना से हम बहुजनों भारतवासी मूल निवासी, याद रखो हम लोग का पढ़ने लिखने और छुआ छूत का भेद मिटा, अधिकार मिला। ये लड़ाई बाबा साहब ने लड़कर के लिए वही सदना में लेके आयो थी कर बाबा जी हो गईले, बहुजन के नैया भौसे पर बाबा जी हो गईले, बहुजन के नैया भौसे पर बाबा जी हो गईले, बहुजन के नैया भौसी पर बाबा जी कोइले, बहुजन के नैया भौसी पर बाबा जी कोइले। ए बाबू उसी दिन से मिलल शिक्षा के सुंदर शिष्टाचार दुनिया में, ए मिलल शिष्टा के सुंदर शिष्टाचार दुनिया में, छुआ छूत हो अछूत के अधिकार दुनिया में, छुआ छूत हो अछूत के अधिकार दुनिया में, छुआ छूत हो अछूत के अधिकार दुनिया में। वही दिन से का हुआ साहब, मिलल शिक्षा के सुंदर शिष्टाचार दुनिया में, छुआ छूत हो या छूत के अधिकार दुनिया में, छुआ छूत हो छूत के अधिकार दुनिया में, छुआ छूत हो छूत के अधिकार दुनिया में। अंतिम भक्ति में कहना है बाबू, दगा के कहे सुदर्शनवा, सुदर्शन
कन्हैया भौसे पर बाबा जी कोइले बहुजन के कन्हैया भौसे पर बाबा जी हो कोइले बहुजन के कन्हैया भौसे पर बाबा जी कोइले नमस्कार सादर जय भीम नमो बुधाय फिर आगे नमस्कार।